हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम। आज हम बात करेंगे कार्डियोमायोपैथी। कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से आपकी हार्ट की मसल्स जो है डैमेज हो जाती हैं। मतलब कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायो का मतलब मसल, और पैथी का मतलब ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से मसल्स जो है डैमेज हो रहे हैं हार्ट के। अब अगर आपके हार्ट के मसल्स जो हैं धीरे धीरे कर करके डैमेज हो जाएंगे, वो आपके जो है डायलेट, जैसे मैंने कहा कि ब्लड ज़्यादा आएगा तो फूल आते हैं, हार्ट मसल्स अपने आप को डायलेट करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। अगर ऐसा कोई भी कारण है जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स के स्ट्रक्चर पर या अफेक्ट पड़ता है, तो उनकी जो नॉर्मल जो फंक्शनिंग होती है सिकुड़ने की और फैलने की, कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन की, तो वो ख़त्म हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो है हार्ट नॉर्मल काम, मतलब ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, और धीरे धीरे करके आपका हार्ट जो है फेलियर की तरफ चला जाता है। तो इसी को कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। अगर आपकी मसल जो है वो एनलार्ज हो रही हैं, उनका साइज़ बड़ा हो जा रहा है, तो उसी को कार्डियोमिगैली कहा जाता है। मिगैली अगर आपकी कहीं की भी मसल जो है, कोई ऑर्गन आपका इनलार्ज होता है, तो उसको मिगैली कहा जाता है। और कार्डियो जो है हार्ट के लिए यूज़ होता है, तो कार्डियो मिगैली मतलब कि आपकी हार्ट की मसल्स जो है वो एनलार्ज हो रही हैं, बड़ी हो रही हैं। अब इसकी वजह से क्या है कि अगर आपकी मसल्स डैमेज होगी, हार्ट में जो रीजंस हैं मसल के डैमेज होने के, एक तो मैंने बताया था कोरोनरी आर्टरी डिसीज़, या इसको इस्कीमिक हार्ट डिसीज़ भी कह सकते हो, मायोकार्डियल इन्फारेक्शन भी कह सकते हैं। मतलब वो ब्लड वेसल्स जो दिल की मांसपेशियों को ब्लड देती हैं, और अगर दिल की मांसपेशियों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, तो वहाँ की मांसपेशियाँ डेड हो जाएंगी, क्योंकि उनको ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व तो नहीं मिला। सेकंड कंडीशन होती है आपकी वॉल्व्स। अगर आपके वॉल्व्स जो हैं दिल के दरवाजे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, वॉल्व्स ख़राब हो जाएंगे किसी कारण, वो हार्ड या स्टिफ हो जाएंगे, तो ब्लड वॉल्यूम जो है मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा हार्ट के चैम्बर्स में, तो वहाँ की मसल्स को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो डैमेज की तरफ चली जाती हैं। फिर है आपका बीपी। अगर आपको बहुत लंबे समय तक बीपी है, तो धीरे धीरे करके हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, क्योंकि जितना तेज आपका ब्लड प्रेशर होगा, उतना ही ज़्यादा वो ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर में स्क्रैचेस डालेंगे, और बॉडी उसको रिपेयर करेगी तो वहाँ पे क्लॉट बनने के चांसेस होते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो आपका ब्लड जो है इतनी तेज़ी से सर्कुलेट करता है कि ऑर्गन्स को, इतना टिश्यूज़ को टाइम नहीं मिलता कि वो उसमें से ज़रूरी जो न्यूट्रिशन है वो ले पाए, तो इस वजह से भी धीरे धीरे करके जो है डैमेज होती है मसल्स। इसके अलावा जो है इन्फेक्शन, अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, कोई वायरल इन्फेक्शन हो, कोई प्रोटोजोन्स का इन्फेक्शन हो, या कोई मेडिसन्स ऐसी हों जिसका जो टॉक्सिक इफेक्ट जो है हार्ट के ऊपर पड़े, मतलब इतनी ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग मेडिसन्स हो जिसकी वजह से जो है हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, तो उसकी वजह से भी हार्ट की मसल्स डैमेज हो जाती हैं। जैसे एमिलॉयडोसिस है, इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा प्रोटीन जो है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मसल्स जो है स्टिफ हो जाती हैं। सेकंड है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल का इंटेक लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या आपका लाइफस्टाइल या आपका पैटर्न जो है डाइट का वो इस तरह का है कि वो इन फ्यूचर आपका जो है हार्ट की मसल्स को स्लोली स्लोली या एकदम से डैमेज करता है, या फिर फैमिली हिस्ट्री या फिर जेनेटिक रीजंस होते हैं जिसकी वजह से जो है हार्ट मसल्स जो है डैमेज हो जाते हैं। क्योंकि फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस जो ज़्यादा होते हैं, या जेनेटिक ऐसी कोई हिस्ट्री होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में हार्ट के चांसेस जो है मसल्स डैमेज होने के ज़्यादा होते हैं। अब इसमें एक तो होता है कि मांसपेशियाँ जो है आपकी हार्ट की जो मसल्स है वो फुला रही हैं अपने आप को, अगर हार्ट के चैम्बर में ब्लड ज़्यादा आता है, जैसे मैंने आपको एरोटिक स्टेनोसिस है, रीगर्जिटेशन है, या मिट्रल रीगर्जिटेशन है, जैसे मैंने बताया था कि ब्लड ज़्यादा आता है हार्ट में चैम्बर्स में, तो उसको मैनेज करने के लिए, होल्ड करने के लिए जो है चैम्बर जो है अपनी कैविटी की जो है बड़ी करता है, तो उसकी वजह से क्या करता है, साइड की जो मसल्स की लेयर होती है वो बिल्कुल पतली करता है, धीरे धीरे करके मसल्स की लेयर जो है बिल्कुल थिन हो जाती है, वो इतनी ज़्यादा पतली हो जाती है और कैविटी का साइज़ जो है ज़्यादा हो जाता है,
ताकि वो ज़्यादा ब्लड को होल्ड कर पाए। अब ज़्यादा थिन होने से क्या है कि मांसपेशियाँ अपनी जो कॉन्ट्रैक्शन की शक्ति है, जो सिकुड़ने की शक्ति है, वो धीरे धीरे करके उनकी ख़त्म हो जाती है, और इसी को डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है। डायलेटेड मतलब फुलाना, कार्डियो मतलब हार्ट, मायोपैथी मसल्स मतलब हार्ट की मसल्स जो हैं डायलेट हो जाती है, फूल जाती हैं। सेकेंड होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि आपके जो मसल्स हैं, जो मांसपेशियाँ थिक, वो लेयर थिक हो जाती है, कैविटी जो है अंदर से कम हो जाएगी और जो मसल्स की लेयर है वो मोटी हो जाएगी, थिक हो जाएगी। जैसे हम लोग जिम जाते हैं, जैसे देखा है आपने मसल्स की ग्रोथ के लिए, उसमें मसल्स के सेल्स जो हैं वो ग्रोथ करते हैं, मसल्स का जो है साइज़ जो है बड़ा हो जाता है ना, तो उसी तरह जो हार्ट है जब वेंट्रिकल को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ओवर वर्क करता है, तो वहाँ की मसल्स जो है ज़्यादा काम करने की वजह से हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मसल सेल्स की ग्रोथ हो जाती है। अब इसमें क्या होगा कि अंदर जो कैविटी है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन जो साइड की जो मसल एयर है उसमें मोटी हो जाती है, वो थिक हो जाती है, और मोटी हो जाएगी तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट और डायलेट नहीं कर पाएगी। अब इसमें कैविटी का साइज़ कम हो जाएगा तो ब्लड की क्वांटिटी जो है इसमें बहुत कम आती है, तो फिर जो है हार्ट को उतनी क्वांटिटी ब्लड की नहीं मिल पाएगी जितना उसको पंप करना है बॉडी में, क्योंकि उसकी कैविटी छोटी होगी और जो मसल्स है वो मोटी लेयर हो जाती थी। अब किसी, ये पूरे वेंट्रिकल की भी हो सकती है या किसी जैसे सेप्टल, जैसे बीच में जो दीवारें होती हैं, मैंने बताया था दो कमरे राइट दो लेफ्ट में, उसकी बीच की जो वॉल होती है सिर्फ वहाँ की भी मोटी हो सकती है, ठीक पूरे वेंट्रिकल की भी हो सकती है या किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है। अब एक होता है रेस्ट्रिक्टिव, ये बहुत कम होता है, इसमें जो है जैसे मैंने बताया कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, एमिलॉयडोसिस जैसे सार्कोइडोसिस होता है, इसमें जो वेंट्रिकल है बिल्कुल थिक पत्थर जैसा हो जाएगा, ना कॉन्ट्रैक्ट ना रिलैक्स ना डायलेट ना थिक, मतलब बिल्कुल हार्ड हो जाता है, बट ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो इसके लिए जो टेस्ट करवाए जाते हैं वही है कि इकोकार्डियोग्राफी जो है वो हार्ट का शेप स्ट्रक्चर, वॉल्व्स का शेप एंड स्ट्रक्चर जो है पूरा डिटेल जो है इकोकार्डियोग्राफी में जो है आ जाता है। अब इसमें जो लक्षण आएंगे वो आपके वही जो है हार्ट फेलियर की वजह से जो आते हैं वही आएंगे। सबसे कॉमन जो होता है लेफ़्ट साइड का होता है, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है वो पंप करती है पूरे शरीर में खून को, और उसका बैक प्रेशर जो है लंग्स पे पड़ता है, तो फिर सांस चढ़ता है, चेस्ट में पेन होता है, और थकावट जो है बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल है जो नहीं जाएगा। बाकी मैंने आपको बताया है कि लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर होगा उसका अफेक्ट जो है लंग्स के ऊपर जाएगा, क्योंकि ब्लड आगे पंप नहीं हो रहा तो पीछे राइट साइड पे आएगा, फिर आगे आपका बैक प्रेशर जो बॉडी पे पड़ेगा, लीवर स्पीन GIT के ऊपर, और फिर इसका इफेक्ट जो पड़ेगा ब्रेन के ऊपर ही पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके हाथ पैर सोन होना, हाथ पैर ठंडे होना, और एडवांस स्टेज में हाथ पैर कांपने लगते हैं, ऐसी मूवमेंट्स का मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते, हाथ की मूवमेंट्स जो है ट्रेम्बल होता है, बिना शिवरिंग होती है, और धीरे धीरे करके अनकॉन्शियसनेस होती है, स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करते टाइम होता है आपको दिक्कत, बाद में रेस्टिंग पोजीशन में भी होती है, और पेशेंट अगर कभी कोशिश करता है एक्स्ट्रा फिजिकल वर्क करने को, एक्सर्शन करने की, एक्टिविटीज़ करने की, तो बेहोश भी हो जाता है और गिर भी जाता है, मतलब ये बहुत एडवांस स्टेज में होता है हार्ट की। तो ये मेरा था एक कार्डियोमायोपैथी, मतलब हार्ट की मसल्स जो डैमेज होती हैं उसकी वजह से जो हार्ट वीक होता है, ये जो है मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आप इको करवाते हैं तो इको में जो है साफ साफ लिखा होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या लेफ्ट एट्रिया की हाइपरट्रॉफी है, अगर राइट साइडेड हार्ट फेलियर है तो राइट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी होगी, बट राइट जो है वो कहीं काफ़ी हद तक जो है अपने आप को मैनेज करता है एज़ कम्पेयर टू लेफ्ट साइड। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश की थी थोड़ा सा हार्ट मसल्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते।